हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सब कुछ। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूडीज़ रेवोल्यूशन के विनर के बारे में। रूडीज़ की जर्नी जो है वो काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो चुकी है। सो रूडीज़ को अपना विनर मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो टेलीकास्ट नहीं हुआ है। सो वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग कि कौन हो सकता है रूडीज़ का विनर। इट मे बी रॉन्ग, बट जो चांसेस हैं कि वो रूडीज़ रेवोल्यूशन का विनर बने, वही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं नेहा मैम से। नेहा मैम के चांसेस बहुत कम है रूडीज़ रेवोल्यूशन के विनर बनने के, बिकॉज जो अगले वाला टास्क है अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो अभिमन्यु जो है वो जयंत के अगेंस्ट जाएंगे और पूनम जो है वो आरुषि के अगेंस्ट जाने वाली है। इसी के साथ अमन का भी देखा जाए, क्योंकि अमन की जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है तो वो जो है माइकल के अगेंस्ट जाने वाले हैं। सो इन तीनों पेयर के अंदर आरुषि, माइकल और जयंत के जो चांसेस है वो जीतने के ज़्यादा हैं। सो अगर इसी टास्क से एलिमिनेशन होता है तो नेहा मैम के तीनों कंटेस्टेंट जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं। अगर इसके बाद जो है कोई और टास्क परफॉर्म होता है तो मे बी इनमें से कोई एक या फिर दो कंटेस्टेंट जीत जाए, लेकिन इसी टास्क के बेसिस पे देखा जाए तो नेहा मैम के तीनों कंटेस्टेंट जो है उनके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। सो नेहा मैम के इस साल रूडीज़ रेवोल्यूशन जीतने के काफ़ी चांसेस कम हैं। अब बात की जाए वरुण सूद के बारे में, तो वरुण सूद में जो है वो जयंत तो फाइनलिस्ट बन सकते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि जयंत फिनाले के अंदर हों, लेकिन वो विनर हो शो के उसके काफ़ी कम चांसेस हैं। और बात की जाए निखिल सर की, निखिल सर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि निखिल सर से तीनों ही कंटेस्टेंट्स फिनाले के अंदर होने वाले हैं, यानी कि माइकल, हामिद और आरुषि। हामिद तो ऑलरेडी फिनाले के अंदर है, माइकल और आरुषि की भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो फिनाले के अंदर हों। सो इनके यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं कि ये रूडीज़ रेवोल्यूशन जीत जाए। प्रिंस की बात की जाए तो आकाश फिनाले के अंदर होने वाले हैं। जो फाइनलिस्ट होने वाले हैं उनमें से ये नाम सामने आ रहे हैं कि ये ही फिनाले के अंदर होंगे। हामिद पहले से फिनाले में है, प्रिंस की गैंग से आकाश फिनाले के अंदर होने वाले हैं। इसी के साथ निखिल से की गैंग से हामिद पहले से ही फिनाले में है। इसी के साथ माइकल और आरुषि की भी चांसेस है कि वो फिनाले के अंदर हो। वरुण सूद की गैंग से जयंत के चांसेस है कि वो फिनाले के अंदर हो। यहाँ से सबसे ज़्यादा हाई चांसेस देखें कि रोडीज रेवोल्यूशन इन सब में से कौन जीत सकता है, तो वो है आकाश। प्रिंस की गैंग से आकाश के ही सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रोडीज रेवोल्यूशन के विनर बने। इट जस्ट अ प्रेडिक्शन, इट मे बी रॉन्ग, लेकिन चांसेस जो हैं वो प्रिंस के और आकाश के ही जीतने के हैं इस साल। लेकिन आप किसको चाहते हैं कि वो रूडीज़ रेवोल्यूशन जीते, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।